नगर निगम भिलाई के वार्ड 9 राजीव नगर में स्थित पंप हाउस की स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है, जिसकी शिकायत वार्ड वासियों द्वारा लगातार की जा रही है। फिर भी निगम प्रशासन मौन बैठकर शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। यह तस्वीर है वार्ड 9 राजीव नगर की, जहां यह पंप हाउस किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है, क्योंकि यह पंप हाउस काफी पुराना है और अब पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। रही सही कसर यहाँ के पंप ऑपरेटर पूरी कर देते हैं, जो कि समय पे इस पंप को चालू या बंद करने नहीं पहुँचते। ऐसी स्थिति में यहाँ के स्थानीय निवासी ही इसे चालू और बंद किया करते हैं, जिससे उनके भी दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना रहता है। कहाँ गए थे? वो मोटर बंद करने के लिए। आप क्यों बंद कर रहे हैं मोटर? ऑपरेटर आएगा नहीं तो मैं करूँगा। ऑपरेटर नहीं है? आते हैं, 3 बजे आएंगे। नहीं तो आप बंद कर रहे हैं, आपको करंट लग जाएगा तो? ऐसी बात नहीं है। स्थानीय निवासियों ने न्यूज टीम को बताया कि इस जर्जर पड़े पंप हाउस की कई शिकायतें निगम भिलाई प्रशासन को दी जा चुकी हैं और अब तक इस पंप हाउस के ऑपरेटर को किसी ने देखा तक नहीं। एक तो यह पंप हाउस का भवन कब ध्वस्त हो जाए यह कहा नहीं जा सकता, और दूसरे इसमें लगे बिजली के उपकरण जिसे पंप चालू बंद किया जाता है वह भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुका है, जिससे इसे चालू बंद करने वाले को बिजली का झटका लगने की पूरी संभावना बनी रहती है। शेख अब्दुल चमन बोल रहा हूँ, वार्ड 9 राजीव नगर वार्ड से। ये करीब सालों साल से ये पड़ा हुआ समस्या है, जो आज तक निगम प्रशासन न ही कुछ इसका सुर ले रहा है न कुछ है। लोग मनमाने ढंग से अपने क्या है कि पंप चालू करते हैं, नलों को चालू करते हैं, कई बार तो क्या है कि मोटर जल जाता है। भला ये सब समस्याओं को देखते हुए इसका क्या है कि निगम का ध्यान इधर आकर्षित करते हैं कि इसको पुनर्निर्माण कराया जाए और दरवाजा और ताले वगैरह लगाए जाए, और सिर्फ क्या है कि ऑपरेटर ही इसको चालू करे, बाकी और न चालू करे इसको। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पे एक पंप हाउस है और ये वार्ड नंबर 9 राजीव नगर में आता है, जो कि एकता द्वार से सीधा आते हुए सैयद बाबा का मजार के जस्ट पीछे में पंप हाउस है। अब कई सालों से इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो चुकी है, ना तो निगम सुनता है ना कोई सुनने वाला है यहाँ पे। इसके पहले जो पार्षद है उनको भी मैं बोल के थक गया, क्या मैंने निगम में भी इनकी कंप्लेन दी हुई है, अभी तक कुछ नहीं है। और इसकी स्थिति आप देख ही चुके होंगे, अंदर पूरे वायर खुले हुए हैं। ऑपरेटर को मैं आज तक देखा ही नहीं हूँ, वो कितने टाइम आता है कितने टाइम जाता है। कल मैंने उसे संपर्क करने की कोशिश की, अभी तक उन्होंने मेरे से कोई संपर्क ही नहीं किया। ऐसी स्थिति में पंप चालू कौन करता है? पंप यहाँ के वार्ड के वासी लोग चालू करते हैं, जब ऑपरेटर नहीं आएगा तो आसपास के लोग हैं भाई, समस्या जब लगेगी तो चालू तो करना ही पड़ेगा। और सबसे मेन मुद्दा ये है कि पंप ऑपरेटर जब भी आता है उसके नॉलेज में है कि पंप हाउस कभी भी बैठ सकता है, तो भी उन्होंने कंप्लेन नहीं दिया है। क्या चाह रहे हैं अभी? हम चाह रहे हैं जितनी जल्दी पंप का जो बिल्डिंग है जो है इसको मरम्मत की जाए, नई बनाई जाए और पंप हाउस में एक ऑपरेटर परमानेंट रखा जाए जो टाइम टू टाइम आए, खोले और बंद करे। ऐसे कई मामले निगम क्षेत्र में मौजूद हैं, जिन पर क्षेत्रवासियों की लाख शिकायतों के बाद भी निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से निगम के रहवासी कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है। वार्ड 9 के वार्ड वासियों ने एक बार पुनः निगम प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस भवन को जल्द संधारित किया जाए और बिजली व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं तो यहाँ कोई बड़ी घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।